दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त पूरी दुनिया भारत को देख रही है और बहुत निराशा के साथ। एक विकासशील देश जो लोकतंत्र की संरचना जिसके पास है वो किस तरह फेल कर रहा है अपने लोगों के साथ, किस तरह वहां का तंत्र, ये तो हम यहां बैठे भी देख रहे हैं और पूरी दुनिया में इसका इस पर अचरज जाहिर किया जा रहा है कि कैसे इस तंत्र को चलाने वाले लोग अपने मुल्क की आवाम से झूठ बोल रहे हैं। अजीब मक्कारी का माहौल है, क्रूरता का पूरा एक माहौल बना हुआ है। आखिर अपने ही आवाम के साथ ये मक्कारी, ये क्रूरता क्यों? दुनिया भर के अखबार, दुनिया भर के टेलीविजन इस सच को सामने ला रहे हैं कि भारत में लोग कोरोना के कारण, कोविड-19 के संक्रमण के कारण नहीं मर रहे हैं, लोग दवा के कारण, अस्पताल में बेड न होने के कारण, ऑक्सीजन न होने के कारण, वेंटिलेटर न होने के कारण और वैक्सीनेशन सही ढंग से, टीकाकरण सही ढंग से सही वक्त पर न हो पाने के कारण मर रहे हैं। सबसे अधिक जो मौतें हो रही हैं वो ऑक्सीजन के अभाव में और अस्पताल बेड के अभाव में है, अगर सबसे अधिक देखी जाए तो। बहुत पुराने किसी थिंकर ने, किसी अज्ञात थिंकर हम कहेंगे लेकिन बहुत चर्चित ये कोट है, किसी ने कहा था कि जब राजा अपनी प्रजा में, अपने लोगों में और लोकप्रिय होने लगता है तो वो पड़ोस के साथ युद्ध करता है या युद्ध करना चाहिए। ऐसी लाइनें बहुत चर्चित हैं लेकिन अभी तो ऐसा माहौल नहीं है। तो ऐसा लगता है कि हमारा जो तंत्र है उसको चलाने वाले जो अपनी विफलताएं हैं, जिस तरह का आचरण है कुंभ से लेकर चुनाव तक और विधानसभा चुनाव से भी नहीं, जब मन भरा तो पंचायत चुनाव जिसमें 700 से ज्यादा शिक्षक ड्यूटी करने के चलते मर गए कोविड-19 में और अन्य लोग कितनी मौतें हुई इसका कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि अपने देश के हिंदी भाषी राज्यों में तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। इसलिए पूरी दुनिया मान रही है कि भारत में कोविड-19 के जो आंकड़े जारी हो रहे हैं भारत की ओर से वो प्रामाणिक नहीं है, मौतों के आंकड़े गलत हैं और संक्रमण जो हो रहा है लोगों का उनके भी आंकड़े गलत हैं। और अब तो हाई कोर्ट से लेकर अन्य अदालतों में भी ये मामला, खासकर उत्तर प्रदेश का, बिल्कुल सामने है, एक्सपोज हो रहा है ये सारा का सारा। लोगों को जांच लोगों की नहीं की जा रही है कोरोना की, लोगों को कोरोना है कि नहीं है इसकी जांच से मना कर दिया जा रहा है और किसी तरह से जांच हो भी रही है तो रिपोर्ट कब आएगी, हो सकता है किसी की मौत के बाद या किसी के आईसीयू में जाने के बाद या किसी की बेहाली के बाद। तो दोस्तों ऐसी स्थिति अपने मुल्क की है जिसमें यह नहीं इल्जाम लगाया जा सकता कि भारत में मरने वाले लोग कोविड-19 के कारण मर रहे हैं। ये पूरी तरह प्रशासकीय कमजोरी और विफलता के कारण लोग मर रहे हैं, अस्पताल न होने के कारण मर रहे हैं, लेकिन अभी भी लोगों के सामने झूठ परोसा जा रहा है, ध्यान लोगों का हटाया जा रहा है और तो और फर्जी सूचनाओं को कोट किया जा रहा है, शासन की लोकप्रियता के लिए विदेशी अखबारों के नाम तक गढ़े जा रहे हैं कि वहां ऐसा छप रहा है, क्या क्या किया जा रहा है। लेकिन अपने देश की, खासकर उत्तर भारत की नदियों पर नजर नहीं डाली जा रही है कि वहां क्या हालत है। 1918 और 20 के दरमियान जब स्पेनिश फ्लू आया था उस वक्त जो उत्तर भारत की नदियों में देखा गया था वो दृश्य आज हमारे देश की नदियों में दिखाई दे रहा है। हम इससे आगे नहीं कहेंगे, इस तरह पार्थिव शरीर का भी हम सम्मान नहीं कर पा रहे हैं या करा नहीं पा रहे हैं।
यह सभ्यतागत संकट है, यह सिर्फ तंत्र का संकट नहीं है। पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ जो भारत में हो रहा है, विश्व गुरु भारत। दोस्तों, हम ज्यादा आज नहीं कहेंगे, लेकिन आपको याद होगा कुछ दिन पहले की बात है, अपने देश के एक बहुत बड़े व्यक्ति, बहुत बड़ी शख्सियत, जिनका नाम था राजन मिश्र, राजन मिश्र, साजन मिश्र के नाम से पूरा देश, क्या दुनिया के तमाम संगीत प्रेमी भी परिचित हैं इस नाम से। बनारस घराने के महान संगीतकार राजन मिश्र 70 साल के, दिल्ली में रहते थे, बनारस भी आते जाते थे अपने घर। वो राजन मिश्र जी का दिल्ली में देहांत हो गया, कोविड-19 का संक्रमण था। एक अस्पताल में भर्ती थे, वहां पर उनको अंतिम समय तक वेंटिलेटर नहीं मिला। उनके लिए देश के बड़े से बड़े संगीतकारों ने भी ट्वीट किए थे कि राजन मिश्र जी को बचाने के लिए किसी तरह से वेंटिलेटर उपलब्ध कराया जाए, उनकी जरूरत है। यह पद्मभूषण राजन मिश्र जी को नहीं बचाया जा सका क्योंकि वेंटिलेटर समय पर नहीं मिला, अस्पताल भी नहीं उस तरह से उपलब्ध हो सका, नहीं ट्रांसफर जब कराने की नौबत थी कि अब ट्रांसफर करा दिया जाए किसी और अस्पताल में, तो वो ले जाए नहीं जा सके क्योंकि स्थिति ऐसी नहीं थी। 25 अप्रैल को राजन मिश्र इस दुनिया से चले गए। इसके बाद देश के बड़े ओहदेदारों का, श्रद्धांजलियों का तांता लग गया। जब वो अपनी सांस के लिए लड़ रहे थे कि सांस सुरक्षित रहे, कोई बड़ा ओहदेदार वेंटिलेटर लेकर नहीं आया, किसी ने उनको ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई। ये अखबार की रिपोर्ट्स बताती हैं उस समय की, 24, 25, 26 की। लेकिन उनके निधन के बाद देश में श्रद्धांजलियों का तांता लग गया। वाराणसी घराने के थे, बनारस घराने के, अब उनके नाम पर अखबारों में मैंने देखा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के स्टेडियम में जो टेम्पररी एक हॉस्पिटल बना है कोविड के लिए, कोविड-19 के मरीजों के लिए, उसका नाम रख दिया गया है राजन मिश्र कोविड-19 अस्पताल। यह भी अभी का एक पोस्टर देखा मैंने। मेरी उत्सुकता हुई कि यह समझा जाए क्या मामला है। मैंने सर सुंदरलाल अस्पताल BHU के बड़े डॉक्टरों से बात की, मैंने बनारस के पत्रकारों से बात की, और बड़ी मुश्किल से राजन मिश्र जी के जो बेटे हैं, जो स्वयं देश के एक बड़े संगीतकार हैं, जिस तरह राजन मिश्र जी ख्याल गायकी के शीर्ष संगीतकार थे, गायक थे, उसी तरह से रजनीश मिश्र उनके जो पुत्र हैं, सुपुत्र, वह भी बड़े गायक हैं। बहुत मुश्किल से मैंने रजनीश मिश्र जी से बात की। वो अपने दिवंगत पिता की असामयिक मृत्यु से बहुत विह्वल, बहुत परेशान थे, लेकिन उन्होंने कृपा की बात करने की, और जो बातें उन्होंने कही वो बहुत ही, मैं समझता हूं कि इस मुल्क के एक एक आदमी को समझनी चाहिए वो बात। कोई राजनीति की बात नहीं है इसमें, किसी दल किसी व्यक्ति के विरोध की बात नहीं है इसमें, इसमें सच है, सिर्फ सच है, 100% सच। क्या कहा रजनीश मिश्र ने, सन ऑफ राजन मिश्र पद्म विभूषण, उन्होंने कहा, मैं शब्दशः कोट करता हूं, अपने देश को इस वक्त अच्छे कंडीशन वाले अस्पताल चाहिए जो हमारे देश में नहीं थे, नहीं हैं। हमें संसद नहीं चाहिए नई, हमारे पास संसद है सुंदर, हमारे पास पीएम हाउस है, प्रधानमंत्री निवास है, हमें नया पीएम हाउस नहीं चाहिए, हमें उसकी जरूरत नहीं है। हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रपति भवन है, हमें नहीं चाहिए नया राष्ट्रपति भवन। फिजूल के भवनों में खर्च करने की जरूरत नहीं है, हमें मंदिर नहीं चाहिए, अस्पताल चाहिए बढ़िया जिससे लोगों को बचाया जा सके। हमें राम मंदिर की जगह सुविधाओं से संपन्न अस्पताल चाहिए। हजारों करोड़ खर्च करके जो बिल्डिंग्स बनाएंगे हम, उसकी जगह अस्पताल बनाएं। ये कहा
पद्म भूषण राजन मिश्र जी के पुत्र रजनीश मिश्र ने। सैल्यूट किया जाना चाहिए रजनीश जी को कि इतनी त्रासदी के बावजूद सच बोल रहे हैं और देश के लिए बड़ा संदेश दे रहे हैं। दोस्तों, एक और तस्वीर हमने देखी और यह तस्वीर थी नताशा नरवाल की। नताशा नरवाल की हमने पहले भी तस्वीर देखी थी अपने पिता कृषि वैज्ञानिक महावीर नरवाल के साथ, लेकिन जो ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं ये बिल्कुल अलग है। मायूस, उदास, ऐसा लगता है कि आंसू सूख गए हैं आंखों में, पथराई हुई सी आंखें हैं उस नताशा नरवाल की, जिसे बेवजह बिना किसी कसूर के एक साल से जेल में बंद रखा गया है। एक प्रतिभाशाली छात्रा, हमेशा फर्स्ट डिवीजन पाने वाली, जिसने जीवन में कोई अपराध की कल्पना भी न की हो, उसको संज्ञेय अपराधों में, गंभीर अपराधों में जेल में डाला गया है। क्यों? क्योंकि मौजूदा जो सियासत है सत्ताधारी दल की, वो उसे पसंद नहीं करती। एक अदना सी लड़की को पसंद नहीं करती क्योंकि वो सच जानती है, वो सच बोलती है, वो भारत के संविधान में यकीन करती है, वो सेक्युलर है, वो डेमोक्रेटिक है। उसको बेवजह डाला गया। और उस जैसी न जाने कितनी लड़कियों को, हम कितनों का नाम लें, कितने लड़कों को, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हों, चाहे जेएनयू के हों, चाहे वो जामिया के हों, चाहे वो हैदराबाद के हों, चाहे वो जादवपुर के हों, चाहे वो किसी जगह के हों, न जाने कितने लड़कों को जेलों में डाले रखा गया है। इसके अलावा भी हम जानते हैं बहुत सारे मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को, वकीलों को, लेखकों को, बुद्धिजीवियों को, लेकिन नताशा नरवाल को जमानत तक नहीं दी गई। पिता बीमार, कोविड-19 हो गया, उनको नहीं जमानत मिली। महावीर नरवाल साहब जब उनका निधन हो गया तब जाकर नताशा नरवाल को थोड़े दिन के लिए पिता का अंतिम संस्कार करने के नाम पर जमानत मिली, अंतरिम जमानत। क्या न्याय तंत्र है, क्या राजनीतिक तंत्र है। संविधान हंस रहा है कि रो रहा है मैं नहीं जानता, आप तय करें। लेकिन नताशा नरवाल की यह तस्वीर देखिए, उसकी आंखें देखिए, पिता जा चुके हैं, भाई अभी भी कोविड-19 से जूझ रहा है, इकलौता भाई, मां नहीं है, पहले जा चुकी हैं, बहुत पहले। नताशा नरवाल की इन आंखों को देखकर सिर्फ मैं यही कह सकता हूं, ये बड़े मशहूर एक कवि की रचना है जो मैं आपको सुनाता हूं, गोरख पांडे की। ये आंखें हैं तुम्हारी, ये आंखें हैं तुम्हारी तकलीफ का उमड़ता हुआ समंदर, ये आंखें हैं तुम्हारी तकलीफ का उमड़ता हुआ समंदर, इस दुनिया को जितनी जल्दी हो सके बदल देना चाहिए। फिर से रिपीट करता हूं, ये आंखें हैं तुम्हारी तकलीफ का उमड़ता हुआ समंदर, इस दुनिया को जितना जल्दी हो सके बदल देना चाहिए। तो साथियों, आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।